अगला वा मजबूरी नू आने जाने दी कसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आड़ा सी वो नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा की दी चूरी नू रावा च बावा च ओनो लुकावा कोई मैनू ना रोके ओ मेरे ढोल जुदाइया दी रावा च बावा च ओनो लुकावा कोई मैनू ना रोके ओ राहों में उनसे मुलाकात हो गई जिसे डरते थे वही बात हो गई राहों में उनसे मुलाकात हो गई राहों में उनसे मुलाकात हो गई जिसे डरते थे वही बात हो गई। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी सेकेंड एक्सरसाइज को देखेंगे विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या लगना है यहाँ पे, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक दर एक हर एक परत को हम लोग खोलेंगे। बच्चों देखते हैं, अगर कोई भी लास्ट टाइम हमने देखा था कि फॉर्मैट क्या होता है, फॉर्मैट फिर से मैं लिखवा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मैट आप लोगों को पता ही होगा, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें x हमारा होता है वेरिएबल जिसपे पावर 2 है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और जितनी भी होती है उतने रूट्स होते हैं, उतने हमारे सॉल्यूशंस होते हैं और उतने को बोलते हैं जीरोज होते हैं। यहाँ पे पावर कितना है, x पे पावर 2 है, तो यहाँ पे दो जीरोज होंगे। जीरोज को अगर हमने मान लिया, इसके रूट्स होंगे, मान लेते हैं दो रूट्स होंगे, अल्फा बीटा मान लिया। मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला लिखवाया था, सम ऑफ रूट्स अगर पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। वो हमें सेकेंड एक्सरसाइज में देखना था पॉलिनोमियल्स में, और यहाँ पे भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे अल्फा बीटा इसके दो रूट्स है। अब ये रूट्स निकलता कैसे है, ये रूट्स निकलता कैसे है, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस, तीन मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको अलग अलग बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सेकेंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बच्चों ध्यान से देखना, इसमें सिर्फ हमें दो ही टर्म पढ़ने हैं, दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। थर्ड वाला ये बोर्ड से कट चुका है, ठीक है, एनसीईआरटी में इसको काट दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड ने इसको हटा दिया। एक करके हम लोग सारे मेथड्स पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है वो देखो ध्यान से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ये टेंथ का टॉपिक नहीं है, ये नाइन्थ का टॉपिक है, और नाइन्थ में
इससे क्वेश्चन बने थे और इसको क्वेश्चन को करना था। सो यहाँ पे अपने बुक में बहुत ही कम क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसके लिए एक कोई भी साइड बुक आप रेफर कर सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं साइड बुक जिसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपको पता है सो एनसीईआरटी भी सफिशेंट है। फर्स्ट एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसका हम मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉन्स्टेंट सम से करवाते हैं। इन दोनों का क्या होता है हमारा, इन दोनों का होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 को हमने 10 से किया तो कितना आया नंबर, 10 आया। अब इस 10 का एलसीएम लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो इसका 10 का एलसीएम कितना आया, 2 × 5 × 1। इस तीन फैक्टर आ गए, तीन फैक्टर को दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है, और उन दो फैक्टर को प्लस करने पे या माइनस करने पे इतना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, माइनस 3 आना चाहिए इनफैक्ट। तो दो में कन्वर्ट कर देते हैं, 5 × 5 × 2, इन दोनों को माइनस करने पे 3 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे 3 आ रहा है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बेसिक से समझाऊंगा, कुछ लोग थोड़े एडवांस लेवल में पहुंच गए होंगे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी 9th क्लास में। सो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन था तो माइनस दे दो। 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 को 5 − 2 लिख लो, ये जो फैक्टर है ना उन दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद 3 बनना चाहिए, साइन भी नहीं सिर्फ 3 नंबर बनना चाहिए। तो 5 − 2, अब ब्रैकेट के बाहर एक्स क्योंकि यहाँ पे एक्स है, −10 = 0 कर दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर −5x, ये माइनस है ये माइनस, मिलकर हो जाएगा प्लस 2x − 10 = 0। अब देखो बच्चों अब यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, इन दोनों से कॉमन जो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो। तो इन दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है, x निकल रहा है, तो x बाहर निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, सो प्लस का 2 निकालेंगे, x माइनस 5 = 0। अब बच्चों देखना है कि हमारा ये जो हमने कॉमन निकाला है वो सही है कि नहीं। तो सही तब होता है जब ये दोनों चीज़ें सेम हो, अगर ये दोनों सेम आ गए तो समझ जाना कि हमारा जो हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया है वो सही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से दो टर्म हो गए ना, एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये हो गया, यहाँ से हम कॉमन जो दिख रहा है उसको निकाल लेते हैं, x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट यहाँ पे बच गया, ये यहाँ से जब ये निकाल लिया तो बच गया यहाँ पे x प्लस का साइन, और यहाँ से ये निकाल दिया तो बच गया 2 = 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसको जीरो करेंगे एक बार इसको जीरो करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं x − 5 x + 2 = आया था 0, सो एक बार ये 0 होगा और एक बार x + 2 0 होगा, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी −2। तो ये हमारा x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, या रूट बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो या फिर जीरोज बोल लो, सब एक ही है। तो देखा बच्चों कैसे करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमें 4.2 सारी एक्सरसाइज करनी है, उसको देखते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2x² प्लस x
-6 = 0। ये है हमारा क्वेश्चन। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या, सेम प्रोसेस, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं यानी कि मिन टर्म स्प्लिटिंग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 डैट इज 12। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 से 3 आ गया। अब 12 का फैक्टर्स क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 1। अब इसको दो में ब्रेक करना है, दो में ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने के बाद, उन दो को प्लस माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 है, ये 1 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 × 3 × 3। अब ये 4 और 3 मिल के माइनस करने पे ये हो जाएगा 1। सो हम इसको लिख सकते हैं 2x², इस 1 को लिख सकते हैं 4 − 3, ब्रैकेट में डाल दो 4 − 3, ये 1 हो गया, x बाहर था, −6 = 0। अब देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये 2x² हो गया, ब्रैकेट ओपन करो, ये हो गया 4x − 3x −6 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, जो जो दिख रहा है कॉमन, 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो 2x हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बच गया x प्लस 2 निकल गया, x निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। अब बच्चों यहाँ से दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 6 में 3 होता है, तो 3 बाहर निकाल गया और ये बच गया x। अब यहाँ पे जब माइनस निकाल लोगे ना तो प्लस बचेगा, जब माइनस निकाल लोगे तो प्लस बचेगा। अब बच गया यहाँ पे से जब 3 निकल गया था तो बचा है 2 = 0। अब क्या करेंगे, देखो ये सही है हमारा क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है। अब इसको कॉमन निकाल लेंगे दोनों से, x + 2, आपको याद होगा ऐसे ही करते थे, = 0। अब इसको 0 करेंगे, x + 2 = 0 करेंगे, 2x − 3 = 0 करेंगे, सो x की वैल्यू हो जाएगी −2, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। और ठीक है बच्चों, समझ में आया, 3/2 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा ये तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करने का मतलब हो गया ऑसम क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे थोड़े से फंबल कर जाते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ गलतियां बच्चे करते हैं, बेसिकली देख लेते हैं कि होता कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो पता चल ही गया हमें, हमने दो क्वेश्चन कर लिए, पता तो चल ही गया होगा आप लोगों को कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है और कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, उन दोनों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 और √2 मिल के कितना होता है पता है, 2 होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो जान ले, √2 √2 मिल के क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद, मिल के नहीं मीन्स मल्टीप्लाई होने के बाद ये होता है 2। अब ये हो गया 10, अब 10 के फैक्टर्स निकालो, 2 × 5 = 5, 1 = 1, ठीक है, तो 10 = लिख सकते हैं 2 × 5 × 1, ये 3 फैक्टर्स आ गए, दो में ब्रेक करो, उन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद 7 आना चाहिए, तो 2 × 5 कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। सो अब देखो बच्चों कैसे इसको हैंडल करेंगे, यहाँ के बाद से ये हो गया √2x², यहाँ पे लिख लो 2 + 5x + 5 √2 = 0, √2x² ओपन करो, 2x 5x 5 √2 = 0। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है 2 बार √, 2 पे 2 बार √। सो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऐसा लिखा हुआ है, इस 2 को हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, √2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 √2 बाहर निकल जाएगा, साथ के साथ x निकलेगा क्योंकि x तो दोनों में है, तो अब यहाँ पे बचेगा x प्लस, यहाँ से √2 निकल चुका है, 2 का मतलब इतना है, 1 अगर निकल गया तो 1 बचा है अभी भी, तो √2 बचा हुआ है यहाँ पे, x तो निकल चुका है, अब इन दोनों से क्या निकलेगा कॉमन,
इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन? आई थिंक 5 निकाल सकते हैं। हाँ 5 निकाल सकते हैं ना, हाँ 5 निकाल सकते हैं। 5 निकालते हैं जरा, और ये हो जाएगा x प्लस रूट टू इक्वल जीरो। अब देखो ये दोनों सेम आ गया ना, तो यानी करेक्ट है ये हमारा। अब इन दोनों में से कॉमन यही आ जाएगा x प्लस रूट टू, यहाँ पे यहाँ से कॉमन निकल गया, दोनों से कॉमन निकल गया, यहाँ पे बच गया ये वाला टर्म रूट टू एक्स प्लस का ये वाला, अब 5 ये बच गया इक्वल जीरो। अब क्या होगा, एक बार हम इसको जीरो करेंगे, एक बार रूट टू एक्स प्लस 5 को जीरो करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट टू, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 बाई रूट टू। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। रूट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग जितने ज़्यादा मिल सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। शायद आप आर एस अग्रवाल इसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि 9th क्लास का आर एस अग्रवाल आप ले लें, उसमें देखें क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन है। ये इनफैक्ट 9th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में ही इसको करना था, फिर भी यहाँ पर 10th क्लास में भी दिया हुआ है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी, दो दो बार आपको समझने को मिल जाएगा, क्योंकि फर्दर नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे 11th या 12th में जाओगे, अगर मैथ्स आपने लिया तो उसमें ये सब बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ करनी पड़ती है। तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में ये भी लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उनमें वेराइटीज़ है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे दे दिया फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन वाला हो गया, एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन अगर कोई एक आप रिकमेंडेड बुक लेते हो, ये कोई भी रिकमेंडेड बुक हो, किसी ने भी रिकमेंड किया है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ पे उपलब्ध होंगे। बट यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी अच्छी है क्वेश्चंस की, क्वांटिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। सो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे हम ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम होगा 8, इसका एलसीएम क्या होगा 8। अब इसका यहाँ पे क्रॉस कराएंगे 16x2। आई होप आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल जीरो हो गया। अब इसको इधर उठा के इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16x2 माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे वो देख लो। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 16 के सारे फैक्टर्स लिखो 2, 8, 2, 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 4 × 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर नहीं लिया मैंने, मुझे कुछ दिख गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना मिल जाएगा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 4, ये 4 और 4 मिलके 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई भी देने लगेंगी। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। ये हो गया 16x2 माइनस इस 8 को लिख सकते हैं 4 प्लस 4 × x + 1 इक्वल्स टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 16x2 माइनस 4x, ये माइनस इसके साथ माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 4x + 1 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ जा रहा है, इसमें 4 है और x भी है, ये इसमें आ गया कॉमन, तो यहाँ बच गया 4 और x, क्योंकि 1x माइनस हमने कॉमन निकाल लिया था, माइनस यहाँ पर बच गया 1। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं कॉमन एज अ नंबर। ठीक है, तो माइनस निकाल लिया, 1 लिया, माइनस इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे बच गया 4x। माइनस निकालने के पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे प्लस का 4x है, तो इसलिए माइनस यहाँ से बाहर निकाल लिया कि प्लस का 4x बच जाए। जब प्लस का मतलब होता है 2 बार माइनस साइन। ठीक है, इस वाले प्लस को हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना, यहाँ से जब 1 माइनस निकाल लिया तो ये वाला बच गया ना, तो ये माइनस आ जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल जीरो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब ये देखो, ये वाली क्वांटिटी कॉमन आ जाएगी दोनों से, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लस पे बचेगा 4x, यहाँ पर बच जाएगा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब इंडिविजुअली दोनों को हम जीरो करेंगे, x 4x - 1 इक्वल टू जीरो होगा, फिर ये 4x - 1 इक्वल टू जीरो होगा।
सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई फोर, वन इधर जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई फोर। सो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 100x, इसका फिफ्थ पार्ट बोला है 100x² - 20x + 1 = 0। ये है क्वेश्चन, हाँ यही है क्वेश्चन। सो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, सेम प्रोसेस है, सेम फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है हमें। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100। 100 को 10 × 10 कर सकते हैं, 10 × 10। अब ये दोनों प्लस होने के बाद 20 तो हो ही जाएगा, इसलिए हमने जानबूझ के 10 × 10 किया। वैसे मेथड क्या है, जब आपको कुछ नहीं पता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब सारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो खुद से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन लेना होता है, बट ऐसा एकदम रिकमेंडेड नहीं है कि प्राइम फैक्टर ही लेना है। अगर आप एडवांस लेवल में हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप डायरेक्ट नंबर भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, सो हम लोग बेसिक से ही कर रहे हैं। अब इसको लिख सकते हैं 10 + 10, तो ये हो गया 100x² - 10, ब्रैकेट में रख दिया 10 + 10, माइनस को बाहर कर दिया, x + 1 = 0। ये हो गया 100x², ब्रैकेट ओपन करेंगे, -10x + -10x + 1 = 0। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 10 निकल गया, x निकल गया, 10 दोनों में है, 100 में तो 10 होता ही हुआ और x तो है ही, तो यहाँ बच गया 10x - 1। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो हमें माइनस का 1 निकालना पड़ेगा। रीजन है कि जब माइनस का 1 निकालेंगे ना, तो 10x बच जाएगा यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, यहाँ प्लस का 10 था ना, इसलिए यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिया, आप माइनस 1 बच गया यहाँ पे, क्योंकि जब माइनस बाहर निकालते हैं साइन अपोजिट कर देना चाहिए, जो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, इक्वल 0 हो गया। सो अब इन दोनों में ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो, 10x - 1, फिर ये हो गया 10x - 1 = 0। यहाँ से 10x - 1 को हम 0 कर देंगे, फिर दूसरे वाले 10x - 1 को 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1/10, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसके रूट्स, क्वाड्रेटिक के रूट्स। सो हमने देख लिया मेल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, तो आप एग्जाम्पल कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम क्या करते हैं, लेट द टू नंबर्स आ एक्स एंड वाई, हम दो नंबर एक्स और वाई ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, उनका सम कितना दिया हुआ है, हुज सम इज, दो नंबर है x + y, इनका सम दिया है 27 एंड प्रोडक्ट क्या दिया है, x × y, 182। तो बच्चों इसको देखो कैसे हैंडल करेंगे, या तो आप यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, यहां पे पुट कर दो, या फिर यहां से निकाल के यहां पे पुट कर दो। तो सपोज करते हैं हमने यहां से y की वैल्यू निकाली 27 - x, अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो गया, x × 27 - x = 182। ठीक है बच्चों, ऐसे सोच सकते हैं ना। सो अब देखो क्या करेंगे, अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यहाँ के बाद से ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27x - x² = 182। अब इसको इधर ले जाएंगे, x² - 27x + 182 = 0 हो गया। ठीक है बच्चों, सो अब देखो सेम प्रोसेस, फैक्टराइजेशन मेथड करना है, मिल्टम स्प्लिट, इस नंबर को 1 को हम 182 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 182। इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, 2, 9, 1, 7, 13 जा, तो 2 × 7 × 13 आ रहा है। ठीक है बच्चों,
सो इसको दो में तोड़ना आपको पता ही है, दोनों को प्लस प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए था। तो इसको कर लेते हैं हम 14, दोनों को मल्टीप्लाई इंटू 13, इन दोनों को प्लस करने पे आ रहा है 27। सो हम इसको फॉलो करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल्स 0। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है इसको ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 14 एक्स प्लस माइनस माइनस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है, ओनली एक्स, एक्स माइनस 14 बचा यहाँ पे, इन दोनों से माइनस बाहर निकालना है क्योंकि एक्स के साथ प्लस साइन होना चाहिए, यहाँ से ये बाहर आएगा, माइनस भी आएगा, 13 भी आ गया, एक्स बच गया, माइनस प्लस के से अगर माइनस निकालोगे तो एक माइनस यहाँ बचेगा, प्लस का मतलब होता है दो माइनस, जब दो माइनस में से एक माइनस बाहर ले लोगे तो माइनस बचेगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन पलट जाता है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 182 का मतलब होता है 14 इंटू 13, जब 13 कॉमन निकाल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 14 बच गया, इक्वल 0 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, x माइनस 14 बच गया यहाँ पे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसको 0 किया x माइनस 14 को तो x की वैल्यू आ गई 14, x माइनस 13 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 13, ये हो गया हमारा वैल्यू। x एक पहला नंबर हमने x लिया 14, तो y कितनी होगी, 13 होगी, अगर ये 14 लिया तो y 13 हो जाएगा, अगर x 13 लिया तो y होगा 14। समझ में आया बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या लोगे, नंबर्स एक ले लेते हैं x, तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, तो दूसरा लेंगे x प्लस 1, लगातार नंबर तो ऐसे ही होता है ना, एक का डिफरेंस होता है, तो अगर पहला आपने x लिया तो दूसरा क्या लोगे, x प्लस 1, वही लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका बोला क्या है, इनके सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर, उसका सम मान बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इक्वल्स टू कितना दिया है, 365। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक में चेंज कर देना है, एक्स स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 365। ये हो गया 2x स्क्वायर, x वाले को इसके बाद देख लेते, 2x प्लस 1, इसको इधर लाया, 365 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0, दो कॉमन निकाल लो यहाँ से, जो कॉमन निकल सकता है निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, 28182 इक्वल 0, शायद पीछे वाला क्वेश्चन हो गया सेम। अब क्या करेंगे, ये 2 जाके उस साइड में 0 हो जाएगा, इनफैक्ट 0 नहीं होता है, आपके घर में कोई बड़े हो तो उनसे ज़रूर पूछना कि ये 2 जाके इस साइड में 0 होता है क्या। ठीक है बच्चों, सो आपके लिए ये होमवर्क है, एक बार पता करना, नहीं आएगा तो कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है बच्चों, चलो इसका करते हैं हम फैक्टराइजेशन। तो 291 हो गया, 713 जा, सो ये हो गया 14 इंटू 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 14 इंटू 13, 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 तो आ ही जाएगा, 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, हमें 1 ही तो लाना है यहाँ पे। सो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल 0 कर दिया। अब ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स
माइनस 182 इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, x ये बच गया, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, 13 भी निकाल लेते हैं, 13 तो इसमें है ही क्योंकि 13 इंटू 14 182 होता है, तो ये बच गया x, यहां से माइनस निकाल दिया तो प्लस बच गया और यहां पे बच गया 14। अब इन दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 14 और ये हो गया x माइनस 13 इक्व टू जीरो। एक्स प्लस 14 को अगर जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, एक्स माइनस 13 को जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13। सो इसको कंसिडर करेंगे एज अ आंसर और माइनस 14 को नहीं करेंगे। रीजन है कि इसने बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नंबर है इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक नंबर हो गया 13 तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, तो ये आंसर आ गया 13 एंड 14, ये आंसर है हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लेस दैन स्पेस, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या बोला है, एक डायग्राम बना देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इस बेस, बेस को हमने x मान लिया, ये बेस है हमारा, इसको x मान लिया तो इससे 7 सेंटीमीटर कम है ये ऑल्टीट्यूड। अब और क्या बोला है, इफ द हाइपोटेन्यूस इज, हाइपोटेन्यूस इसका 13 है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या बताना है इसमें, दोनों साइड ये और ये वाली साइड बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस यूज कर देना है, पाइथागोरस यूज कर लेते हो अगर आता है फॉर्मूला तो सिंपली आंसर आ ही जाएगा। सो आपको पता है 10th क्लास में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी बोलेंगे इसको, बी बोलेंगे बेस है, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस एच, ये होता है एच के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी अभी पढ़ोगे, ट्रिगो में भी पढ़ोगे इसको, और आई थिंक आई होप आप सबों को पता होगा पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब पी हमारा क्या था, एक्स माइनस 7, इसकी वैल्यू जनरली हमें रखते नहीं है यहाँ पे, बी था एक्स, एक्स का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 13 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 169। ठीक है बच्चों, अब ये और ये दोनों मिलके कितना हो गया 2x स्क्वायर, 14 हो गया, 14x प्लस 49, इसको इधर लाते हैं 169 इक्वल्स टू जीरो। सो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये हो गया माइनस 120। अब अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू हो गया जीरो, ये इस साइड में आके जीरो हो गया। जरा मैंने आप लोगों को टास्क दिया है, आपको ये पता करना है कि ये इधर जाके जीरो होता है कि नहीं होता है। आपके घर में कोई बड़े लोग हो जिन्होंने जिनको मैथ्स आती है उनसे आप जरूर पूछना, वो बता देंगे आप लोगों को। इवन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सो अब देखो, अब करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, यहाँ पे 1 है, इस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा, 60 आएगा, ये 60 आएगा, 60 को मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 60 को तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 का एलसीएम कर लो, 230 हो गया, 215 हो गया, 35 हो गया। सो ये बना 2 × 2 × 3 × 5, हमें दो में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। सो कैसे ब्रेक करें इसको बताओ बच्चों, क्या करें इसमें, ये देखो 4 × 3 = 12 × 5, ठीक है, 12 − 5 = 7 होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे कर लेंगे। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12 − 5 × माइनस 60 = 0। अब इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 = 0। अब यहाँ से कॉमन निकालो, x बाहर निकाल लिया, x माइनस 12 बचा,
प्लस फाइव बाहर निकाल लिए, यहाँ पे बचा एक्स माइनस ट्वेल्व, फाइव यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो ट्वेल्व बचेगा, ठीक है। अब दोनों से हमने कॉमन निकाल देना है, एक्स माइनस ट्वेल्व को दोनों में सेम है तो एक्स प्लस फाइव बच गया, इक्वल जीरो कर दिया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक से आएगी ट्वेल्व, एक से आएगी माइनस फाइव, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो हम एक्स की वैल्यू ट्वेल्व लेंगे, ये ट्वेल्व हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस सेवन डैट इज फाइव, तो ट्वेल्व एंड फाइव, एक्स माइनस सेवन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस सेवन इक्वल टू हो जाएगा फाइव, ये दोनों वैल्यू आ गए, ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हुआ है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सिक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो बच्चों आई होप आप लोग इसको एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। तो ये क्वेश्चन करते हैं, मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ मान लेते कुछ चीज़ें बनाती है, कुछ मान लेते ऐसा पेनी है वो बनाती है, तो हम मान लेते हैं कोई एक कंपनी है कुछ पेन ही बनाती है, सपोज करते हैं कुछ पेन ही बनाती है, यहाँ पर लिखा है आर्टिकल है पॉटरी आर्टिकल है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज थ्री मोर दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है बच्चों देखो ध्यान से क्या बोला है। मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं उसके, एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ डे हमने मान लिया इसको एक्स बनाया, उसने उस कंपनी ने एक्स आर्टिकल को बनाया, एक्स आर्टिकल बनाया, ठीक है बच्चों। अब क्या बोला है, कॉस्ट कितना है उस आर्टिकल, एक दिन में इन्होंने एक्स आर्टिकल बनाया, मतलब 10 बनाया, 20 बनाया, 30 बनाया, कितना ही बनाया हमें नहीं पता है, हमने मान लिया कि एक्स बनाया। अब बोला क्या है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ईच आर्टिकल वॉज थ्री मोर दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, एक्स बने थे, उसके ट्वाइस से, इसके ट्वाइस से तीन ज्यादा, यह है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है बच्चों, यह है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, इतना रुपया हुआ उसका कॉस्ट, एक आर्टिकल बनाने का कॉस्ट इतना है, जितना हमने आर्टिकल बनाया उसको टू से मल्टीप्लाई करके थ्री ऐड कर देना है, ये इतना रुपया हो गया उसका कॉस्ट, एक आर्टिकल का कॉस्ट, वन आर्टिकल का कॉस्ट, ठीक है बच्चों। अब क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, टोटल कॉस्ट क्या होता है, हमने मान लो एक पेन बनाया, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल वन है, इसका कॉस्टिंग गिरा 5 रुपया, तो 5 × 1 किया 5 रुपीज आया, अगर दो पेन बनाया होता तो कितना आता, 10 रुपीज आता, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल को एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक्स को हमने 2x + 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट मिल गया, टोटल पेन या जो भी आर्टिकल बना उसका कॉस्ट आ गया, और टोटल कॉस्ट तो दिया है 90, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x² + 3x, अब इसको उठा के इधर ला दो, ये हो गया 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इसका मिड टर्म स्प्लिट करना है, मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 180 का मिड टर्म स्प्लिट, 2 से 90, 3 से 30, 3 से 10, 2 5, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, हमें ऐसे तोड़ना है इसको दो में कि प्लस माइनस करने के बाद 3 आए, तो
तो कैसे तोड़ोगे? ये हमारे पास नंबर है, कैसे तोड़ेंगे हम इसको? इन दोनों को लेते हैं तो 15 आ जाएगा, 15 और 12, ठीक है बच्चों, 15 और 12 से छूट जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 हो गया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट दे देना 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करते हैं हम, सेम प्रोसेस, 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से शायद x ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, माइनस का 6, यहाँ बच जाएगा 2x प्लस का 15, 6 जा 90 होता है इक्वल्स टू जीरो। अब 2x प्लस 15 और ये हो गया x माइनस 6 इक्वल जीरो हो गया, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15 बाई 2 और यहाँ से x की वैल्यू होगी 6। x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये होगा, x की वैल्यू 6 होगी। ये तो हो गया कि हमने कितने प्रोड्यूस किए, तो हमने ऑन दैट पर्टिकुलर डे हमने 6 आर्टिकल्स बनाए, और कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो तो हमने निकाली रखी है, 2x प्लस 3, एक्स के जगह पे 6 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3, डैट इज 15 रुपीज़, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है।